आज उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए, ऐसे बच्चे घर घर हो, और मैंने मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें 300 रुपये इनाम दे दिया। पलवल में एक आईटीआई के छात्र द्वारा ईमानदारी की मिसाल पेश की गई। मोहना के रहने वाले छात्र दीपक को पलवल बस स्टैंड पर 3 दिन पहले एक पर्स पड़ा हुआ मिला, जिसे छात्र ने अपने बैग में रख लिया। पर्स के अंदर लगभग 26,000 रुपए रखे हुए थे। साथ ही साथ उसे पर्स में आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी रखे हुए थे। छात्र ने पर्स को लेकर जानकारी अपने स्कूल के चेयरमैन फतेहपुर विलोच निवासी डॉक्टर ईश्री प्रकाश को दी, जिसके बाद चेयरमैन ने आधार कार्ड के माध्यम से पर्स के मालिक का मोबाइल नंबर अटल सेवा केंद्र पर जाकर पता किया, जिसमें सामने आया कि पर्स के मालिक का नाम विजेंद्र है, जो कि चिरवाड़ी गांव का रहने वाला है। दरअसल विजेंद्र के भाई का इलाज पलवल के गुरु नानक अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने विजेंद्र से ब्लड के लिए कहा तो मरीज के लिए ब्लड बैंक से रक्त लेने जा रहा था। उसी दौरान उसका पर्स जेब से निकलकर बस स्टैंड पर गिर गया। जब वह ब्लड बैंक पहुंचा तो जैसे ही उसने ब्लड लेने के बाद पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब था, जिसके बाद उसने अपने एक परिचित से ब्लड के पैसे लेकर ब्लड बैंक संचालक को दिए और ब्लड लेकर वापस अस्पताल पहुंच गया। लेकिन पर्स खोने के बाद विजेंद्र को चिंता सता रही थी। इसी दौरान विजेंद्र के पास चेयरमैन ईश्री प्रकाश का फोन आया। उसने पर्स को लेकर उसे जानकारी दी, जिसके बाद छात्र दीपक और चेयरमैन ईश्री प्रसाद द्वारा पलवल जाकर विजेंद्र को पर्स वापस पैसों सहित वापस किया। विजेंद्र ने छात्र की इस ईमानदारी से खुश होकर छात्र को 2100 रुपए दिए और छात्र का और स्कूल चेयरमैन का तहे दिल से धन्यवाद किया। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है दीपक कुमार। दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहना से। अच्छा, एक पर्स मिला था आपको, कहाँ मिला था, कैसे आपने उनके जो मालिक थे उन तक पहुँचाया? हम आईटीआई का पेपर देने जा रहे थे हतीम, तो हम बस स्टैंड के साइड वाले रास्ते से जा रहे थे, तो बार बार रास्ता भटक रहे थे, बार बार मेन रोड पर आ रहे थे, जबकि हमें जाना था सावना रोड पे। तो हम जैसे वापसी जा रहे थे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हमें दिखा कि साइड में कीचड़ की तरफ एक पर्स पड़ा हुआ है। हमने जैसे ही वहाँ पे वो पर्स उठाया तो हमने देखा कि उसमें 300-400 रुपये पड़े हैं। तो हमने उसमें पहले से आधार कार्ड वगैरह देखे, तो हमने किसी को कॉल की जिसमें उसमें नंबर थे। देखा तो उसमें जिस पर कॉल की वो बोला कि हम उसको नहीं जानते जिसका पर्स है, ना ही हमारा कोई पर्स गिरा हुआ है। फिर हमने वो बैग में ऐसे रख लिया और उसमें बैग में एग्ज़ाम देने के बाद उसे रख के भूल गए। फिर 2 दिन बाद याद आया कि उसमें हमारे पास एक बैग में पर्स पड़ा हुआ है। हमने उसमें देखा तो उसमें 26,000 कुछ पैसे थे। तो हमने अपने गुरुजी को इन्फॉर्म किया, जिन्हें ऑलरेडी इलाके में सब जानते हैं, मोस्टली सभी लोगों को जानते हैं, तो इनके पास इन्फॉर्म किया, तब इन्होंने जानकारी निकाली। तो परिचित तक जो जिनका पर्स है उनको पहुंचा दिया? हाँ जी, जिनका पर्स था उन्हें हमने ऑलरेडी पहुंचा दिया। सर, मेरा नाम डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश, गांव फतेहपुर बिल्लोच। आपके एक शिष्य हैं 12th एन सी पास की है, श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर बिल्लोच एंड पंडित एल आर बी एड कॉलेज। तो इस बेटे ने मेरे पास में कॉल किया 1:30 बजे करीब, बोले गुरु जी किसी बंदे का कोई पर्स गिर गया और उस पर्स के अंदर अमाउंट भी है, पैसे भी हैं, और मैं आपके पास में वो फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, बट उनका आप कहीं से भी एड्रेस निकाल के वे पैसे उनको पहुँचाओ, कोई किस परेशानी के अंदर है ये मेरे को नहीं पता। मैंने कहा बेटा ठीक है, मैंने वहाँ से वाजिब को वहाँ से उनका आधार कार्ड पे डाल के और पीपी पे निकलवाया अटल सेवा केंद्र फतेहपुर बिल्लोच से ही। तो उन्होंने इनका नंबर बताया मेरे को, और नंबर बताने के बाद में उसके बाद मैं वहाँ नंबर पर कॉल किया, इन्होंने कॉल रिसीव की। मैंने कहा भाई जी ऐसे ऐसे बात है, बोला हाँ जी मेरे पैसे भी हैं और कागज़ भी हैं। मैंने कहा तो भाई आप फतेहपुर बिल्लोच आ सकते हो? बोले जी फतेह में भैया मेरा उनका याजी पे यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं उनके याजी पे यहाँ अटेंडेंस हूँ। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा भाई हम आपके पास में आते हैं। फिर हम इनके पास में आए, फिर हमने कौशिक संजय जी है हमारे दामाद जी, फिर उनको बुलाया उनके संपर्क में। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। बोले जी कोई बात नहीं, तो बहुत सारे काम किया है, बट जिन्होंने भी जहाँ पर भी हमने जिक्र किया सब ने उन बच्चों की इनकी पीठ थपथपाई, और मैं भी गदगद हो गया, बहुत भारी खुशी हुई मेरे को। और नहीं तो आज के टाइम में क्या है भाई, कोई 100 रुपये के पीछे भी मान हरा देता है ये, तो जबकि इसके अंदर 26-27 हज़ार रुपये
अब मालिक ने भी खुश होकर, जिसका पर्स था उस भाई ने भी खुश होकर इनको 2100 रुपये इनाम के दिए हैं। 2100 रुपये खुश होकर इन बच्चों को इनाम के दिए हैं। बेटा आगे यही नीति अपनाए रखना, कभी अपना ईमान मत हारना। तो भाई बड़ी खुशी होती है मेरे भैया, मैं तो इन बच्चों का भी आभारी रहूँगा सदा जिन्होंने ये सराहनीय काम किया है, और भैया का भी जिन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया है, और आपका तो है ही है सारी दिन क्यों, आपने भी हमारा सहयोग किया है सर। क्या मैसेज डिलीवर करना चाहोगे लोगों के लिए और शिष्यों के लिए? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, भैया देखो कोई कैसे अपनी पूंजी जुटा पाता है, और कोई ये पता नहीं होती है कि भाई कोई अच्छे के हैं या बुरे के हैं, पर कोई किसी काम के लिए, अब इनका भाई बीमार था, उनको खून के लिए जरूरत थी, वे खून के लिए पैसे लेके जा रहे थे, बट पर्स उनका गिर गया। जब पर्स उनका गिर गया, निकलने के बाद में इन बच्चों ने होनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, हमने इनसे संपर्क किया, वे पर्स पहुंचा दिया, तो इनको भी बड़ी भारी खुशी हुई। अब भैया जो पैसा है मेरे भाई के इलाज में लग रहा है। देखो आज के टाइम में इलाज भी बहुत महंगा है, कोई ये नहीं है, और मात्र हालांकि 26,000 रुपये बहुत होते हैं, इन्होंने इनको वापस लौटा दिए, मैं सदैव इनका आभारी रहूँगा बच्चों का। पर्स गुम हो गया था, 26,000 रुपये लगभग थे, और मैं अपने भाई के लिए ब्लड लेने के लिए बस के बाद गुरु नानक अस्पताल से अपना ब्लड बैंक लेने गया, ब्लड लेने गया था, तो वहाँ पे मैंने जैसे ही उतर के अपने पर्स पे हाथ मारा तो पर्स, उसके बाद मैं वापस आया तो मेरा पर्स नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं अपने भाई के इलाज में लग गया, तो दो दिन बाद गुरु जी ने फ़ोन किया मेरे से, मैंने संपर्क किया, मैंने कहा कि हाँ है तो ऐसे ही, आज उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए, ऐसे बच्चे घर घर हो, और मैंने मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें 300 रुपये इनाम दे दिए। क्या मैसेज डिलीवर करना चाहोगे आप ऐसे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होकर यदि इन्हें कोई पद बने तो ईमानदारी से काम करें। पलवल जिले की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सर्वोदय टीवी आप तक पहुँचाता रहता है। आपके पसंदीदा चैनल द्वारा दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगती हैं? चैनल आपके क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। आप सभी दर्शक सर्वोदय टीवी के FB पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और खबरों से संबंधित जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।